श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का परिवचन सहज रूप सुमिरन करे। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, संत कबीर साहब ने कहा है, पियू पियू करी करी कूकिए, ना परी रहिए असरार, बार बार के कूकते कबहुक लगे पुकार। ईश्वर का नाम सदा जपो, जपते जपते कभी न कभी अवश्य पुकार सुनी जाएगी। पड़ा रह संत के द्वारे, तेरा बनत बनत बन जाए। संत दादू दयाल साहब ने कहा, सुरति सदा सन्मुख रहे, जहां तहां लैलीन, सहज रूप सुमिरन करे, निह कर्मी दादू दीन। बड़े बड़े विद्वान सहज स्वरूप का सही अर्थ समझने में बहुत गड़बड़ाए हैं। लिखा है खूब, किंतु सहज रूप सुमिरन के विषय में लिख नहीं सके। कुछ भी करते रहो, पाखाने में रहो, चाहे पेशाब करो, चाहे कोई काम करो, उसका सुमिरन करते रहो तो तुम निष्कर्मी हो। इसका सब भाई अभ्यास करो। हमारे एक बहुत ऊंचे दर्जे के सत्संगी थे यदुनाथ चौधरी, उनका शरीर छूटे हुए 3 साल हुए। उनकी बीमारी का नाम सुना और सुना कि वे सख्त बीमार हैं, बचने की संभावना नहीं है। मेरे लिए सवारी आई, मैं उनके यहाँ गया और भेंट होने पर कहा, निश दिन रहे सुरती लौलाई, पल पल राखो तिल ठहराई। इसी को श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव, भुर्वोर मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक, शतंग परंग पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके और निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। इसका खूब अभ्यास करो, यही अंत समय में काम देगा। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन, इन तीनों को रखो। इसी से वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल फलेगा। आरती कीजे आत्म पूजा, शत पुरुष की औरण दूजा, ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखो प्राण प्यारा, भाव भक्ति और नहीं भेवा, दया स्वरूपी करी ले सेवा। सत संगत मिली शबद विराजे, धोखा दुंद भरम शब भाजे, काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शबद सुरत ले हृदय बसाओ, कपट क्रोध को दूरी बहाओ, कहे कबीर निज रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर नारी। संतों की वाणियों से प्रेरणा लेकर सत्संगियों के हृदय में ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए कि वे खूब ध्यान करें। ध्यान करने में कुशल होने पर सब काम करते हुए भी ध्यान करना होता है। विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं कि कहना ही क्या, किंतु सहज सुमिरन के वर्णन करने में पैर लड़खड़ा जाता है, किंतु हम लोगों के समझने के लिए तो कठिन नहीं जान पड़ता। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, सुरति सदा श्यावित रहे, तिनके मोटे भाग, दादू पीवे राम रस, रहे निरंजन लाग। प्रेम इतना हो कि उसके मिलने की इच्छा बराबर लगी रहे, घूमते फिरते कुछ काम करते हुए भी उस ओर मन को घुमाते रहना चाहिए। इसके लिए तो रोना चाहिए कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि वे इतना रोते थे कि तकिया भीग जाता था। संत कबीर साहब के पद में कितना विरह है, ऐसा अन्यत्र मिलना कठिन है। कैसे मिलोगी पिए जाए,
समझी सोची पग धरो जतन से बार बार डिग जाए। ऊंची गैल राह रपटीली पौ नहीं ठहराए। लोक लाज कुल की मर्यादा देखत मन सकुचाए। नहर बास बसों पी हर में लाज तजी नहीं जाए। अधर भूमि जह महल पिया का हम पे चढ़ो न जाए। धन भय बारी पुरुष भय भोला सूरत झकोला खाए। दूती सतगुरु मिले बीच में दिनों भेद बताए। साहब कबीर प्यासे भेंटी शीतल कंठ लगाए। कैसे मिलोगी पिए जाए समझी सोची पग धरो जतन से का अर्थ पैर रखना सूरत जमाना है। बार बार डिग जाए सूरत हट जाती है। यदि कोई कहे कि कबीर साहब तो पूर्ण थे ही तो उनके लिए यह कहना उचित नहीं। उत्तर में कहा जा सकता है कि उक्त सज्जन का कथन अनुचित नहीं होगा कि वे पूर्ण थे, किंतु और लोगों के लिए उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा, अथवा यदि वे इस प्रकार साधन करके ही पूर्ण हुए तो यह कहने में भी क्या हर्ज। वार्षिक सत्संग सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा के लिए होता है, ऐसा नहीं कि यह मनोरंजन के लिए होता है। सब लोगों को इस सत्संग से प्रेरणा मिले, सबका ख्याल नवीन हो जाए, इसलिए यह वार्षिक सत्संग होता है। जिसे सत्संग में अंतर की प्रेरणा न मिले वह सत्संग नहीं हुआ। भगवत भजन खूब करो, इसकी प्रेरणा सत्संग से लो। गुरु महाराज का यह प्रवचन संताल परगना जिला अंतर्गत ग्राम कोरका में दिनांक 23/2/1954 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।